वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे मावे की बर्फी। ये मैं बिल्कुल उसी तरह से बनाऊंगी जिस तरह से हलवाई बनाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये 500 ग्राम खोया लिया है, इसे हम मावा भी कहते हैं। ये मेरा मावा बिल्कुल फ्रेश और सॉफ्ट है, इसलिए मुझे इसे कद्दूकस करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने मोटे तले की कढ़ाई ली है। इसमें मैं डालूंगी 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी। चीनी वेट में 200 ग्राम है। मैं चीनी घुलने तक इसे पकाऊंगी। चीनी घुल चुकी है, अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर हिलाते हुए पकाऊंगी। हमारी चाशनी अभी पतली है, मैं इसे थोड़ा और पका लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी चाशनी पानी के बाउल में डालूंगी और इसे चेक करूंगी। देखिए, ये इकट्ठी होके बॉल बन रही है, मतलब हमारी चाशनी तैयार है। अब मैं फ्लेम को लो करके इसमें हमारे खोए को डाल दूंगी। अब मैं खोए को चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आपको इस तरह का चम्मच लेना है ताकि इसमें मावा अच्छे से मेल्ट हो जाए। खोया चाशनी में अच्छे से मेल्ट हो गया है, हमें इसे लो फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए पकाना है। देखिए, ये थोड़ा थिक होता जा रहा है, मैं इसे 2-3 मिनट और पकाऊंगी। आपको इसे चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो आपकी बर्फी में दाने पड़ सकते हैं। ये थिक हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। खोए को पकने में 8 से 10 मिनट लगे हैं। अब मैं इसे हिलाते हुए 10 मिनट ठंडा कर लूंगी। मैंने एक ट्रे के बटर पेपर लगा लिया है, अब मैं इसमें हमारे तैयार किए हुए खोए को डालूंगी। मैं इसके पिस्ते से गार्निशिंग कर लूंगी और इसे 5-6 घंटे सेट होने के लिए रख दूंगी। मेरी खोए की बर्फी सेट हो चुकी है, अब मैं इसे ट्रे से बाहर निकाल लूंगी। अब मैं इसे पीसेस में कट कर लूंगी। हमारी खोए की बर्फी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।